दशहरा की रात अमृतसर में हुए रेल हादसे के लिए जगतगुरु शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहराया। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए इस घटना को देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई धर्म विरोधी पूजा का दुष्परिणाम बताया। गौरतलब है कि दशहरा की रात प्रधानमंत्री मोदी ने शिरडी जाकर साईं बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साईं बाबा को भगवान मानने का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने साईं बाबा को मुस्लिम जिन बताते हुए अमृतसर में हुई घटना को धर्म विरोधी पूजा का दुष्परिणाम बताया। बहुत ही दुखद घटना है और एक प्रकार का अपशगुन है जो दशहरा के दिन उन लोगों को सुनने को मिला है। और उसका कारण है अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रम त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ पूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहाँ दुर्भिक्ष मरण और भय होते हैं। आज दशहरा के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने शिरडी में जाकर एक ऐसे व्यक्ति की पूजा की जो अपूज्य था। कवर्धा के धर्म संसद में ये जनादेश सब महात्माओं ने आचार्यों ने दिया था कि ना तो भगवान साईं भगवान है, ना संत है, ना गुरु है। ऐसी स्थिति में आपने जाकर एक प्रधानमंत्री के रूप में जो ये किया है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है।